अमेरिका में आज तक 31,000 फीमेल ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पे ये आरोप लगाया है कि आपका बेबी पाउडर यूज करने की वजह से हमको मेसोथेलियोमा, लंग कैंसर और ओवेरियन कैंसर हुआ है, और दूसरे भी हेल्थ डैमेज के केसेस तो ऑलमोस्ट 61,000 है। अप्रैल 24 में इलिनॉइस की कोर्ट ने, ज्यूरी कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को ऑर्डर दिया था कि आपको $4 करोड़ चुकाने हैं थेरेसा गार्सिया को, क्योंकि उनकी मौत मेसोथेलियोमा नाम के कैंसर से हुई थी। जून 24 में ओरेगन की ज्यूरी कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को ऑर्डर दिया था कि आपको 26 करोड़ चुकाने हैं क्यूनली को, एक औरत को जिसको मेसोथेलियोमा नाम का कैंसर हुआ है। जान के हैरानी होगी कि जॉनसन एंड जॉनसन ने अब तक 6 से 8 बिलियन डॉलर्स इन्हीं केस पे चुकाए हैं। कई केस में सेटलमेंट किया है, कई केस वो हार गए हैं, कई केस वो जीते हैं, और बहुत सारे पैसे लीगल फीस में गए हैं। तो चक्कर क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर और कैंसर, दोनों में कनेक्शन क्या है? मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं, और आज हम जानेंगे कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की ये स्टोरी क्या है। हमारे ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि इंडिया में लोगों ने दशकों तक जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर अपने बच्चों के लिए यूज किया है, और आज के दिन भी वो जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के सिवा भी बहुत सारे टेलकम पाउडर वो यूज कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो हम ये जानेंगे कि वो सेफ है कि नहीं, और आखिर में आपको एक सेफ ऑप्शन भी दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। टेलकम पाउडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। टेलकम पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट होता है टेलकम, इसको टेल्क भी बोलते हैं। टेलकम एक मिनरल है जिसको हम जमीन से खोद के निकालते हैं। उसके मेन कंपोनेंट होते हैं मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टेलकम की खास बात यह है कि यह बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे डायमंड की हार्डनेस स्केल पे हार्डनेस है 10, तो टेलकम की होती है 1। वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसका पाउडर भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब आप उसके पाउडर को शरीर पे, चमड़ी पे लगाते हो तो बहुत ही स्मूथ और ग्लासी फीलिंग आती है, लोगों को ये पसंद आता है। दूसरा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से इरिटेशन कम होती है और रेडनेस भी कम होती है, रैशेज भी कम होती है। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से लोग अपने बच्चे के जेनिटल्स पे, बटक्स पे, ग्रोइन में ये पाउडर लगाते हैं। फीमेल्स कई बार अपने सैनिटरी पैड्स पे जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर लगाती है ताकि इरिटेशन ना हो, रैश ना हो और स्मेल भी ना आए। अब प्रॉब्लम यहीं से चालू होती है, क्योंकि टेलकम के अंदर कई बार एस्बेस्टोस भी आ जाता है। वो अशुद्धि होता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, लेकिन कई बार आ जाता है। और एस्बेस्टोस नॉन कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब है कि जो पदार्थ आपको कैंसर दे सके, तो एस्बेस्टोस नॉन कार्सिनोजन है। जब अमेरिका में लोगों को पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर में एस्बेस्टोस है, तब उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर केस किया। समझने वाली बात यह है कि मेसोथेलियोमा नाम का जो कैंसर है वो बहुत ही रेयर है, लेकिन जब अमेरिका में बहुत सारे लोगों को ये रेयर कैंसर देखा गया, तो लोगों को लगा कि उन्हें जो सालों से जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर यूज़ किया है, उनकी वजह से उनको कैंसर हो रहा है, और उसी के लिए उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन पर केस किया। केस की डिटेल यह है कि बहुत सारे केस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जीत गई, बहुत सारे केस हार गई, बहुत सारे में उन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट भी कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को पता था कि उनके टेलकम पाउडर में एस्बेस्टोस है? पता था तो कुछ किया क्यों नहीं? पता था तो प्रोडक्शन क्यों चालू रखा? पता था तो उन्होंने FDA को क्यों नहीं बताया कि हमारे पाउडर में एस्बेस्टोस है? हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन ने ये बात कभी नहीं मानी कि उनके टेलकम पाउडर में एस्बेस्टोस है, लेकिन जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश हुए उसमें कई डॉक्यूमेंट बताते हैं कि उनको पता था, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट तो 1950s तक जाते हैं, 70 ईयर्स पहले तक। 1977 से लेकर 2000 तक बहुत सारी लैब टेस्ट में ये पाया गया कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर में एस्बेस्टोस है। जॉनसन एंड जॉनसन ने ये बात कभी नहीं मानी। इन्हीं सब कंट्रोवर्सी के चलते चलते जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका और कनाडा में 2020 के बाद टेलकम का यूज बंद कर दिया। अब वो बेबी पाउडर कॉर्न स्टार्च बेस बनाते हैं, लेकिन जो उनका स्टॉक पड़ा था उसको उन्होंने इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यूज तो किया ही, 2023 तक यूज किया। 2023 के बाद उन्होंने वो कम्प्लीटली बंद किया, लेकिन तब तब स्टॉक उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में दिया। हम उनके डस्टबिन जो है, बेबी पाउडर की कंट्रोवर्सी के चलते जॉनसन एंड जॉनसन की इमेज बहुत खराब हुई। बेबी पाउडर की वजह से जो उनकी फैमिली फ्रेंडली इमेज थी वो भी खराब हुई। उसी की वजह से
वह अब कॉर्न स्टार्च बेस पाउडर बना रहे हैं। उन्होंने अपना 135 साल पुराना लोगो भी चेंज कर दिया। 2021 में उन्होंने टेल्का पाउडर बनाने वाली जो उनकी ब्रांच थी उसको भी बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। तो अब हमारे लिए क्या सीखने लायक है? क्या टेलकम पाउडर जिसमें एस्बेस्टस ना हो वो आपके लिए ठीक है, या फिर टेलकम पाउडर ही ठीक नहीं है? तो फिर ऑप्शन क्या है? अगर टेलकम पाउडर में एस्बेस्टस नहीं है तो कैंसर का रिस्क नहीं है, लेकिन आपके बच्चे को फिर भी वीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, एलर्जी के केस बढ़ सकते हैं। जो बच्चे पाउडर रेगुलरली यूज़ करते हैं उन्हें सर्दी खांसी के एपिसोड ज़्यादा ही होते हैं। तो आपके बच्चे के लिए टेलकम हेल्दी है ही नहीं। तो टेलकम पाउडर के बदले में जो सेफर ऑप्शन है मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि इनमें साइड इफेक्ट टेलकम पाउडर से कम है, लेकिन ज़ीरो इसमें भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप टेलकम पाउडर सिवा का पाउडर यूज़ करो, और जब भी लगाएं बच्चों पे थोपे नहीं, माइल्ड अमाउंट में लगाइए, जेंटली लगाइए, उसके जेनिटल्स पे, फेस पे, आँख पे, नाक में डायरेक्टली अप्लाई ना करें। आप पाउडर को पहले अपने हाथ में लें, अपने हाथ में मिक्स करें, और आप जेंटली अप्लाई करें, स्मूथली अप्लाई करें। यह बेस्ट तरीका है जाने का। जाते जाते मैं आपको बताता चलूं कि मेरी प्रैक्टिस को आज 15-16 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी भी किसी पेरेंट को या मदर को कोई भी बेबी पाउडर प्रिस्क्राइब नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को अपनी हेल्थ के लिए पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है। पाउडर हमको बच्चा अच्छा दिखे, अच्छा स्मेल करे, इसलिए हम लगाते हैं, वो हमारी ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत नहीं है। पाउडर के बारे में मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल बच्चों को इतने चश्मे क्यों आ रहे हैं, इतनी कम उम्र में क्यों आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।